बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर 12th लेक्चर ऑफ साइंस फॉर क्लास 5। टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम यूनिट नंबर 7, एनवायरनमेंट। यूनिट 7 है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? माहौल। हम इर्द गिर्द हमारे जो है हम इसको हम माहौल कहते हैं। तो अब पेज नंबर बेटा आ जाए पेज 60 पर। हमारा जो माहौल है वो ख़राब हो चुका है, आपको भी पता है पॉल्यूशंस की वजह से। तो हम सबसे पहले जो है वो इसमें टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन समझते हैं, पढ़ते हैं। पॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले पॉल्यूशन को डिफाइन करते हैं। पॉल्यूशन क्या है? अगर हमारे एनवायरनमेंट में गैर ज़रूरी पॉइजनस नुकसान देने वाली चीज़ें अगर शामिल हो जाएं हमारे माहौल में, तो हम उसको माहौल की आलूदगी कहेंगे, या जिसको हम पॉल्यूशन कहेंगे, आलूदा हो जाना, गंदा हो जाना, पॉल्यूट हो जाना। पेज बेटा 60 देखें बुक पर। पॉल्यूशन अकर व्हेन अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट बिकम्स अनहेल्दी फॉर द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन। कि किसी भी पार्ट जो है वो माहौल या एनवायरनमेंट का कोई हिस्सा अनहेल्दी हो जाए रहने वालों के लिए, नुकसान हो दे हो जाए, तो हम उसको पॉल्यूशन कहेंगे। देर आर 5 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। अब टाइप्स आ जाते हैं पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन की जो है वो मेन 5 टाइप्स हैं। नंबर 1 लैंड पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और विजुअल। लैंड का मतलब है ज़मीन का जो है वो पॉल्यूट, ख़राब हो जाना, नॉइज़ शोर, ये भी पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन, वाटर, विजुअल। विजुअल का मतलब जो हमें चीज़ें गंदी नज़र आती हैं, हमारा जो व्यू है वो हमें बुरा, चीज़ें देखने में बुरी नज़र आती हैं, तो हम उसको विजुअल पॉल्यूशन कहेंगे। अब ये देखें बेटा, यू नो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पीपल लिविंग ऑन अर्थ डोंट गेट क्लीन वाटर टूडे। दुनिया में तकरीबन 50% ऐसे लोग हैं जिनको पीने का साफ पानी नहीं मिलता। तो पॉल्यूशन देखें इतनी ज़्यादा डेंजरस हो चुकी है। अब नेक्स्ट पेज पर आ जाएं, हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले है लैंड पॉल्यूशन। देर आर सेवरल कॉजेज ऑफ लैंड पॉल्यूशन। ज़मीन क्यों आलूदा होती है? अब उसकी रीजंस क्या हैं? द यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स, फसलों पर जो है वो ना कीड़े वगैरह मारने के लिए स्प्रे करते हैं, उसकी वजह से भी ज़मीन जो पॉल्यूट हो जाती है। सम फार्मर यूज टू ग्रो क्रॉप्स। सम क्यों? अब तो तकरीबन हर फार्मर जो है वो पेस्टिसाइड यूज़ करता है फसलों को उगाने के लिए। व्हेन टू मैनी केमिकल्स आर यूज, जब केमिकल ज़्यादा यूज़ होंगे, दे किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो वो ज़मीन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे जर्म्स हैं उनको मार देता है, वो फसलों के लिए ज़रूरी है, सच एज बैक्टीरिया एंड फिंजाई दैट आर असेंशियल फॉर हेल्दी सॉइल, जो ज़मीन के हेल्दी रखने के लिए फसलों के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है डंपिंग ऑफ रबिश। हाँ, हम घरों का जो कूड़ा करकट है वो ज़मीन के अंदर दबा देते हैं, ये भी नुकसानदेह है। अपार्ट फ्राम बींग विजुअली अनअट्रैक्टिव, देखने में भी बुरा लगता है ये, डंपिंग वेस्ट कैन कंटेमिनेट द लैंड, ज़मीन को भी ये आलूदा ख़राब कर देता है। एंड कॉज द डेथ्स ऑफ एनिमल दैट मे ईट पॉइजनस वेस्ट, जो जहरीली चीज़ें खाते हैं वो उन एनिमल को भी मार देते हैं। द क्लोजिंग डाउन ऑफ फैक्ट्रीज यूजिंग केमिकल्स एंड अदर डेंजरस एंड पॉइजनस सब्सटांसिस, कि जब फैक्ट्री क्लोज कर रहे होते हैं वो जो केमिकल्स और वो ज़मीन के अंदर ही डाल देते हैं, द लैंड इज़ देन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू यूज़ फॉर एनी अदर पर्पज, तो वो ज़मीन के अंदर ही दबा देते हैं, जिससे ज़मीन बाकी किसी काम के लिए सूटेबल नहीं रहती। नेक्स्ट है ये नॉइज़ पॉल्यूशन, इसी पेज पर है बेटा, पेज नंबर 61 पर। बहुत ज़्यादा शोर भी जो है वो डेंजरस हो सकता है, वो भी नुकसानदेह है। नॉइज़ पॉल्यूशन इज़ अनवांटेड नॉइज़। नॉइज़ पॉल्यूशन का मतलब वो आवाज़ें जो हम नहीं सुनना चाहते, और साउंड दैट डिस्टर्ब एनवायरनमेंट, जो माहौल को या एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करता है। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हैवी ट्रैफिक ऑन द रोड, रोड पर ज़्यादा जो हैवी ट्रैफिक है उनकी वजह से हो सकता है।
एरोप्लेन्स की वजह से, इंडस्ट्रियल मशीनरी की वजह से, सच एज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स एंड इन मैनी अदर वे, और दूसरे और तरीके से भी। फॉर ह्यूमन, इंसानों के लिए नॉइज पॉल्यूशन कैन कॉज हियरिंग लॉस, हमें हियरिंग लॉस हो सकता है, यानी कि सुन नहीं सकते, स्ट्रेस, प्रेशर, दबाव में रहते हैं, लैक ऑफ स्लीप, नींद कम आती है, एंड हाई ब्लड प्रेशर, और ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। फॉर वाइल्ड लाइफ, जंगली जानवरों के लिए नॉइज पॉल्यूशन कैन इंटरफेयर विद द नेविगेशन सिस्टम ऑफ एनिमल, जानवरों के नेविगेशन का मतलब जानवर एक दूसरे के साथ जो रابطہ रखते हैं उस सिस्टम के साथ को भी डिस्टर्ब होता है। दैट डिपेंड ऑन साउंड टू ट्रैवल, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो ट्रैवल करने के लिए साउंड पर डिपेंड करते हैं, जब वो अनवांटेड साउंड सुनेंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, सच एज बैट्स, इन एक्सट्रीम केसेस इट कैन कॉज एनिमल डेथ्स, तो जानवरों की डेथ भी हो जाती है एक्सट्रीम केसेस। लैंड एंड नॉइज पॉल्यूशन नियर यू, ये एक्टिविटी है बेटा, देखें, इन योर नोटबुक राइट डाउन एनी टाइप ऑफ लैंड और नॉइज पॉल्यूशन दैट यू हैव नोटिस्ड नियर योर होम और स्कूल, घर या स्कूल के करीब आपको जो पॉल्यूशन नजर आती है उसके बारे में लिखना, लैंड और नॉइज। अब एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन इज व्हेन द एयर वी ब्रेथ कंटेन हार्मफुल मटेरियल सच एज गैसेस, पॉइजंस, डस्ट एंड स्मोक, हवा में अगर ये चीज़ें शामिल हो जाएं तो वो हवा को आलूदा कर देती है, पॉल्यूट कर देती है। एयर पॉल्यूशन कैन अकर आउटडोर एंड इनडोर, दो तरह की है, आउटडोर और इनडोर। अब आउटडोर क्या है, पेज नंबर बेटा देखें, पेज है आपका 62, पेज अपनी बुक ओपन किया करें। अब इसमें आउटडोर क्या है, पेज 62 देखें, देर आर टू मेन कॉजेज ऑफ आउटडोर एयर पॉल्यूशन, आउटडोर एयर पॉल्यूशन की दो मेन कॉजेज हैं, इंडस्ट्री एंड मोटर व्हीकल्स। इंडस्ट्री क्या, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन इज कॉज बाय फैक्ट्री से होता है, इंडस्ट्री से, कोल फायर्ड इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, बिजली से चलने वाले, सॉरी, जो कोयले से चलने वाले बिजली घर, बिजली बनाने वाले जो प्लांट है ना, वो भी एयर को पॉल्यूट कर देते हैं, ये भी आउटडोर पॉल्यूशन में आता है। एंड अदर इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोसेस, दूसरा मोटर व्हीकल्स पॉल्यूशन इज कॉज बाय द इनसफिशेंट बर्निंग ऑफ फ्यूल, बर्निंग प्रॉपर तरीके से नहीं जलता, इनसफिशेंट होता है, इस वजह से ये हो जाता है। नेक्स्ट है इनडोर एयर पॉल्यूशन, देर आर सेवरल कॉजेज ऑफ इनडोर एयर पॉल्यूशन, इनडोर एयर पॉल्यूशन के बहुत सारी कॉजेज हैं, इंक्लूडिंग स्मोकिंग टबैको, सिगरेट पीने से, केमिकल्स फ्रॉम पेंट के जो केमिकल्स हैं उससे, एंड अदर हाउस होल्ड एंड बिल्डिंग मटीरियल्स, एंड गैस वेपर फ्रॉम हीटिंग एंड कुकिंग अप्लाइंसेस, इन चीज़ों से हो सकता है। ऑल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन कैन रिजल्ट इन कैंसर, हमें कैंसर कर सकते हैं ये चीज़ें, एंड अदर डेडली डिजीजेस दे सकते हैं, कैंसर और दूसरी खतरनाक बीमारियाँ, ब्रेथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सांस की तकलीफ, एंड अ वराइटी ऑफ अदर हेल्थ इशूज हो सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कम्प्लीट हुआ, ये बेटा इसी में से कुछ क्वेश्चन हैं, उनके आंसर्स हैं, साथ क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और उनके आंसर्स, ये आप लोग होमवर्क में खुद करेंगे। डिफाइन पॉल्यूशन है, सबसे पहले तो पॉल्यूशन अकर व्हेन अ पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट बिकम एन अनहेल्दी, ये बुक के अंदर ही है कि जब एनवायरनमेंट का पार्ट अनहेल्दी हो जाए फॉर द ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन इट, तो हम उसको पॉल्यूशन कहेंगे। नंबर टू है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर, उनके नेम बताना है कितनी टाइप्स की, फाइव है, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और विजुअल पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन के खतरनाक इफेक्ट क्या हैं, नॉइज पॉल्यूशन कैन कॉज हियरिंग लॉस, हमें सुनना खत्म हो सकता है, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, कम सोना एंड हाई ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर फोर, राइट कॉजेज ऑफ आउटडोर एयर पॉल्यूशन, आउटडोर एयर पॉल्यूशन की कॉजेज बताना है, देर आर टू कॉजेज ऑफ आउटडोर एयर पॉल्यूशन, इंडस्ट्री एंड मोटर व्हीकल्स। राइट कॉजेज ऑफ इनडोर एयर पॉल्यूशन, इनडोर एयर पॉल्यूशन की कॉजेज क्या हैं, स्मोकिंग टबैको, केमिकल्स फ्रॉम पेंट्स एंड
अदर हाउस होल्ड एंड बिल्डिंग मटेरियल्स, गैस वेपर्स एंड कुकिंग अप्लाइंसेस एक्सेट्रा, ये चीज़ें हैं इसकी वजह से इनडोर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन होती है। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर आपका जो है असेसमेंट होगा इन्हीं जो है जो जितना हमने पढ़ लिया इसी में से। तो बाकी इंशाल्लाह आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, असेसमेंट अच्छा प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।